हम आप सबको वेलकम करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर दफ़ा आपके लिए एक नई शख्सियत को लेकर आते हैं। आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं सुनीता कामरान और मेरे साथ मौजूद हैं अदील माइकल। फादर, हम आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर से। मैं आपसे सबसे पहले जो सवाल करना चाहती हूँ कि आपको कब ये फील हुआ कि मुझे जो है अब जो है वो अपनी खिदमात काहिनाना ज़िंदगी के लिए देनी चाहिए? ये काफ़ी देर की बात है। जब एक जुलूस जा रहा था हमारे माँ मरियम का सेंट पैट्रिक से हाजी कैंप, हम पैदल जा रहे थे और उस जुलूस के दौरान मुझे ये बुलावट मिली है और मैं फादर वोसवा फादर रॉबर्ट डिसिल्वा आगे बढ़ रहा था महामारी के प्यार में और उसकी ज़िंदगी देखकर मैंने सोचा मैं ज़रूर इस ज़िंदगी में दाखिल होना है और खुदा की खिदमत करनी है। यहाँ से मेरी बुलावट, इसके बाद मैंने कुछ सोचा नहीं। वो आठवीं जमात में था उस वक्त, फिर मैं दसवीं जमात कम्प्लीट किया, फिर मैंने अबू से कहा मैं फादर बनना चाहता हूँ। उसने कहा आपका दिमाग सही, आप जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं। फिर दुनिया को देखा था मैं तो ऐसे ही कह रहा है आगे पढ़ो। फिर मैं सेंट पैट्रिक्स में पहले स्कूल सेंट पैट्रिक स्कूल में मैट्रिक किया, फिर मैं सेंट पैट्रिक कॉलेज में बीए किया ग्रेजुएशन, फिर वापस गया अबू के पास के अब मैं जाना चाहता हूँ। कहते हैं अच्छा सोचा, मैं हाँ ठीक है सही सोचा, ठीक है आप आगे देखो पीछे ना देखो आगे जाओ और मुझे बरकत दी। तो उस दिन से मैं फिर सेमनी गया और वो सो सेमनी आप जानते हैं वहाँ था क्वेटा में सेंट पायस जैन सेमनी। तो बहुत ही अच्छी बात थी फादर ने कि फादर की बुलाहट जो थी गाइस जो आप लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, के फादर ने कहा कि मैंने अपने वालिद साहब से बात की जब मैं आठवीं जमात में था और आठवीं जमात नहीं, नहीं मैं कोई बात नहीं की है, दसवीं जमात के बाद दसवीं जमात के दसवीं के बाद सोचा उन्होंने कि वालिद साहब ने एक सवाल पूछा कि क्या तुमने सोच लिया है, उन्होंने इन्हें और टाइम दिया कि आप और सोचो आगे पढ़ो, पढ़ने के बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है। और फादर ग्रेजुएशन के बाद फादर फिर से गए कि अब मैं जा रहा हूँ। तो देखें जब खुदा की कॉल होती है तो कोई भी फैसला, आप जितना भी रुकावटें हों आप मना नहीं कर सकते। फादर ने चार साल में फादर का माइंड नहीं बदला, फादर का माइंड था प्रीस्ट बनने का और फादर आज हमारे साथ यहाँ। माइंड नहीं बदला, बड़े आजमाइशें आई है आजमाइश, क्योंकि कॉलेज में हम सेंट पैट्रिक सेंट जोसेफ कॉलेज में बड़े प्रोग्राम करते थे ना, वहाँ डांस का प्रोग्राम था स्टेज प्रोग्राम था, तो मैं जहाँ तक गाँव में बाहर पर था ताकि मैं बीच में ना आऊँ, मैं गेट कीपर रहता था ताकि इन चीज़ों ताकि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। तो यानी कि आप पे टेम्पटेशन आती थी? बहुत आते, सवाल नहीं पैदा, मगर कभी नहीं सोचा कि मैं ये। मगर एक और बात सुनाता हूँ, जब मैंने सोचा कि मैं कॉलेज जाऊँ ये फादर बनो, तो मेरा दोस्त था माइकल रॉड्रिक्स, ये एक डॉक्टर का बेटा था, मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो भी फादर बना। मैंने बोला यार कहते मगर पहले हम डॉक्टर बनेंगे फादर, मैंने बोला ये लंबा सफ़र है। कहते कोई बात नहीं फादर डॉक्टर के बाद फादर बन जाए। तो हमने डीजे कॉलेज के फॉर्म लिए थे वहाँ दाखिल करने के लिए मैट्रिक के बाद, रात को मुझे नींद नहीं आई, मैंने वो फॉर्म फाड़ दिया। वो सुबह आ जाओ, कहते नहीं मैं सेंट पैट में आम तालीम ले रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर में हो सकते मैं भूल जाऊँ। कहते आप नहीं आ जाओ, नहीं फिर वो चला गया, वो डॉक्टर बना और फिर इसने शादी किया, पता नहीं क्या किया, मगर मैं यानी कि आपका दोस्त ने शादी कर ली और आप जो है वो प्रीस्टहुड की तरफ आ गए। कायम रहे बिल्कुल। फादर अभी हम इंट्रोडक्शन में भी एक बात कर रहे थे कि आप अपने दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं बाबा ग्रोटो, तो उसकी क्या स्टोरी है थोड़ा, जो हम जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों? ये तो फादर ने कहा, आज तक पहली दफा सुनता हूँ। ये एक चीज़ है, जब मैं किसी पैरिश में, मैंने 8 पैरिश में काम किया है और हर पैरिश में जब भी जाता पहली चीज़ मैं चर्च को देखता और चर्च को रीसेट करता, इसके रंग रोगन बिजली का काम और पाक सिंधु। इसके बाद फौरन मैं पहाड़ी
पारी का काम करता, क्योंकि मैं जानता माँ मरियम की बरकत ज़रूरी है, क्योंकि माँ मरियम से ने मुझे दावत दी थी और मैं रोज़ी का शौकीन है। रोज़ी मैंने तकरीबन 5-6 हज़ार रोज़ी तकसीम किए हैं इसके दौरान, और मैंने ये भी रोज़ी की मुनादी बहुत की है। तो फिर मैंने सोचा अच्छी पहाड़ी बनाने हर इलाके में, जहाँ पहाड़ी सही तरह इसका नक्शा नहीं था मैंने बदल दिया। जैसे कि गेट के सामने कभी पहाड़ी नहीं रखा, क्योंकि लोग कहते हैं बुतपरस्ती है, क्या बात है, तो मैं इसको बदल दिया। और ये देखिए पहाड़ी देखो कहाँ है और गेट कहाँ है, और ये भी वहाँ था पहले, मैं यहाँ कर दिया इस वास्ते में। और फिर मैंने हर पैरिश में दो मेरे सेमरी में थे, माइनर सेमरी मेजर सेमरी, वहाँ भी मैंने नया ग्रोटो बनाए और हर जगह, ताकि माँ मरियम को सलाम करे। और मैं जानता हूँ जहाँ माँ मरियम का प्यार है लोग सही ईमान में रहते हैं। आप जानते हैं ये मेरा ईमान ये है, आपने देखा जहाज़ को देखा ना, जहाज़ प्रिम्स लॉज प्रिम्स ऑल्स लाइन है, मतलब है अगर पानी इससे नीचे जाए तो उलटने का खतरा है, अगर पानी उस लाइन से ऊपर आए तो डूबने का खतरा है। तो हमारे ईमान में माँ मरियम ये प्रिंस लॉज लाइन, जिसका ईमान सही नहीं है माँ मरियम में, वो उसका ईमान यीशु के सही नहीं होगा। तो ये है हमारी ईमान और मेरी टीचिंग भी है। इसके बाद आप सबको वेलकम करते हैं अपने सिलसिले को जारी रखते हुए। हम फादर जी से एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि फादर जी आप हमें बताएं कि आप यंग जनरेशन की वोकेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि वो जो है जो हमारी यूथ जो है वो अब किस तरह से जो है वो काहिनाना ज़िंदगी में वापस आए, क्योंकि हमारे पास प्रीस्ट बहुत कम है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हर साल मैट्रिक में खुदा बुलाते चंद लोगों जी, बुलाते ज़रूर, मगर आप जानते हैं जैसे कलाम मिलेगा ना बीच अच्छी ज़मीन पर गिरी या पथरीली ज़मीन, इसी तरह कोई उनकी रहनमाई करने वाले नहीं है या रुकावट करने वाले बहुत हैं और इस वास्ते आगे नहीं बढ़ते, मगर हर साल खुदा बुलाता है। और आप जानते हैं मैंने तकरीबन 16 साल यूथ के साथ काम किया, और जहाँ जिस पैरिश में गया 8 पैरिश में काम किया जी जी। मैंने पहली चीज़ ऑल्टर सर्विस को तरजीह दी। हमारे पास आज सेंट जूड में 318 ऑल्टर सर्विस है पूरे 17 इलाके में, ताकि उनमें से कोई फादर बने। तो ये है मेरा रुझान, और हम हर साल एक दो प्रोग्राम बनाते हैं नौजवानों के लिए बराबर के सिलसिले में। और दूसरी बात है कि मैं हमेशा नौजवान, अब चंद फादर हुए जब मैं मोटरसाइकिल चलाता मेरे पीछे बैठते थे और मैं लेके जाता, और उनमें से कई लोगों ने प्रीस्टहुड ज्वाइन किया। एक तो फादर नज़र नवाब है, मोटरसाइकिल हमेशा बैठता था और आज फादर है। सही। इसी तरह मैं कोशिश करता हूँ अकेला कभी नहीं जाऊँ मनादी, बच्चों के साथ ले जाऊँ और वो फिर देखते हैं और वो काम करते हैं। वो वही काम करते हैं जो अपने बड़ों को देखते हैं करते हुए। और आप मीन्स के क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी यंग जनरेशन को, कि वो किस तरह से जो अपने खिदमत अल्टर सर्विस के लिए भी आते हैं, क्वायर के लिए भी आते हैं, लेकिन ऐसी और क्या खिदमत हैं कि वो आए और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी को जो है वो वक्त करें। बात यह है कि कई लोग आते हैं किसी मतलब से, कई लोग आके टाइम पास करते हैं, कई लोग अपने फनकारी की वजह से जैसे क्वायर वाले ये जी, मगर मैं कहता हूँ जो आएगा खुदा की आवाज़ सुनने के लिए वही कामयाब होंगे। मैंने हमेशा पाकमास में 4 बातें सुनाई है, 4 M, मैसेज मील मिशन मार्टिरडम। पहले सुनो खुदा की आवाज़ को, मैसेज क्या है, मैसेज क्या है। जैसे कि खुदा ने कहा भाई जाल दाएं हाथ डाल और ने मछली पकड़ ली। फिर खुदा ने इनको नाश्ते पर बुलाया, मील हो गया जी, मील के बाद मिशन गया, तो मुझे प्यार करता है, मतलब कहते क्या बात है, प्यार जरूर प्यार जरूर करता हूँ, दोबारा प्यार, मतलब सही यार प्यार, क्योंकि 3 किस्म का प्यार है ना, ये यूनान में कहते हैं इरोस जिनसी प्यार, दूसरा
फिल फिलो फिलियो, ये दोस्ती प्यार, तो दोस्ती प्यार की बात कर रहा था, ये को कहते नहीं फिर अगापे, बड़ा प्यार बेलोस प्यार कहते हैं। फिर यीशु ने कहा इसको लकब दिया, मिशन दिया, और मिशन के बाद कहने लगा याद रखो आज अभी उम्र ये है, बाद में आप जहाँ नहीं जाना चाहते वहाँ जाएंगे, मौत की बात की अपने मार्टिरडम की बात की। अभी मेरी उम्र भी है, पहले तो मैं जवान है, मैं जूती पहनता था, भागता था, जो को जानते हैं 5:30 बजे उठकर मैं पानी दिया ये 150 पौधों को 1000, मगर अभी नहीं दे सकता हूँ, अभी ऑर्डर करता हूँ, सिर्फ बताना चाहता हूँ, और कोई मेरा बेल्ट भी बांधता है, मैंने वही कलाम तो आगे पूरा हो रहा है। तो ये बात है, नहीं आपके सवाल इन बातों से एक कि आपके जवानी के दिनों के बारे में ज़रा थोड़ा सा ज़रा। हाँ, जवानी के दिनों में जानते हैं मैं हमेशा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेता ठीक, और नौजवानों को स्पोर्ट्स में डालता था कि नशे से दूर हो, जहाँ किसी पैर देखिए अभी बास्केटबॉल बनाया ना जी, ताकि नौजवान आए और खेलें यहाँ पर। इसी तरह जब मैं सेंट ल्यूक्स पैरिश में था, हमने एक महीने में बास्केटबॉल बनाया, हर रोज़ हम 10x10 फुट का एक ग्राउंड बनाते थे, लड़के पत्थर लाते थे, सीमेंट लाते थे और बनाते थे, दूसरा दिन आगे 10, और इसी तरह वही लड़के जो खेले थे बास्केटबॉल रह गए, कई दफ़ा वो खेलते हैं मगर नशा भी करते हैं, 2-3 को पकड़ा और फिर पीछे हट गए, और जैसे पकड़ा भैरा बताऊँ कैसे पकड़ा जी, वो आते थे खेलने के लिए, लड़कों ने फिर इनको गद्दे का पकाना दिया, वो रंग ऐसे ही है, अभी कहा यार नशा नहीं आ रहा है, ओए बंदा ये तो नशेबाज है, इसको निकाला गया। तो इसी तरह हमने लोगों को क्लियर कर दिया, और फिर उनमें से लोग एक दो फादर बनने की आगे बढ़े। ये फादर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनी कि आप जब जवानी के दिन थे आपने स्पोर्ट्स में बहुत लोगों को मोटिवेट किया, देन आपने यूथ के साथ बहुत लंबे अरसे तक काम किया, आप पौधों के बहुत ज़्यादा फैन है, आप पौधों की ग्रीनरी के आपके दिल के बहुत करीब है, आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ ग्रीनरी और हमारे पीछे भी ग्रीनरी, और उसके साथ साथ ही आपको जानवरों से भी कुछ खासा लगाव है, राइट? ओ यस, मैंने सेमरी में बड़ा जू बनाया, यहाँ भी जू बनाया है, हर किस्म के जानवर रखता हूँ, कोशिश है कुत्तों का, मैं बचपन से मेरी अच्छी जात वाली कुत्ते, जब मैं आया था यहाँ मेरे पास दो डोबरमैन था, मैं यहाँ नहीं ला सकती, कोई सेमरी में गया था वहाँ पहले कुत्ते थे, मैंने दे दिया। अच्छा। मैंने कोई इसको हाथ लगा सकता है, कोई इसको वेलकम कहता है ले सकता है, ये मुसलमान का महल है, मैं इसने खिलाया पिलाया, और फिर आकर मैं मोटरसाइकिल में आए दोस्त के साथ, फिर रिक्शा में बिठाया और दोस्त ने मोटरसाइकिल ले लिया, और वो कहता है जब मैं पहुंचा उस कुत्ते के आंसू, वो प्यार करता है हमारे, क्या रिक्शा में भर गया, तो ये है प्यार जो मैं देता हूँ और वो मुझे देते हैं। So father, you recently celebrated your 50 years in priesthood, but you was not alone, I guess. Right. You have your companions like your brothers and your brother and sister as well. So please share something about them as well. जब मैं सेमिनार में गया तो 6 महीने के बाद रेक्टर जो फ्रांसिस फादर फ्रांसिस का आपका भाई भी आना चाहता है, आप इसको लिखो, आप जानते हैं उस वक्त इनकारी बड़ी सख्ती थी, डिसिप्लिन सख्त था, ओबीडियंस बहुत था, मैंने इनकारी की, मैंने बोला अगर आना चाहते खुद आओ, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि इसका बुलावट है, फादर परेशान हो यार लिखते हैं नहीं, छः महीने के बाद वो आया सेमरी में सेंट पाइस से, मैंने ऐसा उसको सलूक किया जैसे है नहीं, और मैं देख रहा था यार वाकई इसके पास बुलावट है या मेरे नक्शे, वो भी कॉलेज गया, उसने भी वही सब्जेक्ट लिया, आखिर में जब देखा 6 महीने के बाद वाकई खुदा ने बुलाया, फिर मैंने गले लगाया वेलकम, मैंने कहा वेलकम 6 महीने के बाद। मेरी बहन का भी ऐसी ही बात थी, मेरी बहन सीने कैम्ब्रिज सेंट जोसेफ से किया और सेंट जोसेफ से चाहते कि अब उसकी जमात में जाए, मगर उसका दिल था कि मैं बर्न सिस्टर एंगल रोड में इनका हमारे घर के करीब इनका ये था पहला हाउस मॉनेस्ट्री,
कहते मैं यही हूँ, अबू अम्मी सब कहते हैं यार इतनी जमातें हैं जाओ इसमें नहीं जाओ, ये बंद सिस्टम है जहाँ आपसे नहीं मिल सकेंगे, क्या बात है। नहीं कहते वो यही जाए, तो फिर अबू ने कहा इसको इसका दिल निकालने के लिए, उसने कहा आप हमारे मेरे अबू के पास एक स्कूल था प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि जिनको दाखिला नहीं मिलता था सेंट पैट्रिक सेंट जोसेफ, उसने खोला उनके लिए, आज भी ऐसा होता है ना, उसने खोला था। जब उसने खोला था तो उसको वहाँ पढ़ एक साल पढ़ कर कहते अभी मैं जानना चाहता हूँ, हैरान हुआ दोबारा, अरे इसका दिल वही, तो आकर मैं इजाज़त दी क्योंकि वो बड़ी तेज से जाना है। सिर्फ हम तीन थे जो उसको वेलकम कर दिया, एक तो कार्नल जोसेफ कैडेरो, एक फादर टेरेंस जो स्पेशल डायरेक्टर मॉनेस्ट्री कार्ड में, मैं उस वक्त रोम में था, और जब मैं पढ़ता उसकी चिट्ठियाँ क्लियर था कि खुदा ने इस यही ब्लॉक में बुलाया इसको। आखिर में जब गई माँ बाप के खिलाफ आप कह सकते हैं, और वो एक दफ़ा महीने में मिलते थे उसे, तो छः महीने के बाद जब इसे कहा यार ये खुश है, फिर गले लाया कि वेरी गुड आपने सही चुना, और उनके साथ रहे, ये है इसकी ब्लाउज। तो फिर हम तीनों, तो इसकी जुबली थी 23 अगस्त को जी 2018, आंजो का 12 जनवरी को था इसमें इस साल का, मुझसे पहले मुझसे बाद आया, मतलब पहले आपसे आगे लेकर गया, और मैं 4 मई का था, क्योंकि जब मैंने मैट्रिक की उस वक्त 11 साल की मैट्रिक की, तो एक साल उसने गेन किया, उसके बाद वो बहुत तेज़ था, जंप मारना तेज़ था, जब सेमरी में भी था भी पढ़ाता था और सीखता था, जैसे अबू के जेन था ना ऐसे, तो ये है इन तीनों का। तो फादर आंजू सोआरेस का है, फादर आंजू सोआरेस यहाँ 23 साल से काम किया कराची डायसिस में, 22 साल हैदराबाद में जहाँ उसने ज्योति सेंटर तामीर किया, और फिर वो मेरी बहन है ऑस्ट्रेलिया में, पूरा खानदान वहाँ है, वहाँ गया अभी 5 साल से वहाँ पैरिश पीस। एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरी बहन प्रायर मतलब इंचार्ज बनी ना, मदर बनी, तो 3 साल के बाद इनकी इलेक्शन होती है, तीन दफ़ा लगातार वो चुनी गई 9 साल, फिर इसके बाद ब्रेक लाजमी है जी, फिर एक ब्रेक 3 साल के बाद दोबारा 9 साल दोबारा चुनी गई, फिर एक ब्रेक, और अभी पहले 3 साल शुरू हुआ, इसका मतलब है 21 years प्रायर से है। तो फादर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, उम्मीद करते हैं आपको भी हमारे साथ ये शो में बैठ के बातें करके, एक लास्ट मैसेज आप जो हमारे जो हमें इस वक्त देख रही और सुन रही है उनके लिए कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें। मैसेज से पहले मैं ये कहूँगा कि जिस पैरिश में गया ना, मैं हमेशा एक नई चीज़ सोचा, कभी नहीं दोहराया, एक पैरिश में गया मैंने कॉयर को साथ लिया, एक दूसरा पैरिश में यूथ को साथ लिया, तीसरे पैरिश में लश्कर मरियम को साथ लिया, चौथा पैरिश में बाइबल का होगा, पांचवा पैरिश मैंने फोकली मूवमेंट आगे बनाया, हर पैरिश में मैं संडे स्कूल को भी, आप जानते हैं संडे स्कूल की बुनियाद मैंने रखी, क्यों मैं जाता था वहाँ होली ट्रिनिटी चर्च, वो मिस ऑड्री थी, एक साल उसके साथ काम किया मैंने, सीखा इनका तरीका, और मैंने अडाप्ट किया कैथलिक में, उनका तो तरीका सिर्फ बाइबल था, मैंने बोला नहीं हमारा सैक्रमेंट्स है, हमारे यूक्रिस्ट है, हमारी नमाजें हैं, तो मैंने उसको अडॉप्ट करके संडे स्कूल को आगे बढ़ाया। तो अभी क्या मैसेज है, मैं कहता हूँ खुदा अपनी रूह से हर एक को किसी तरीके से कुछ कहता है मैसेज, मेरा मैसेज हमेशा मैं गौर से सुनता हूँ सुबह का कलाम, और वो मैसेज मेरी क्लियर है तो मेरा मिशन शुरू होता है, तो आप भी सुनो और आपको भी मिशन मिलेगा, और आप भी मेरे साथ दो, आमीन आमीन। तो फादर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर शो सुनहरे लोग, उम्मीद करते हैं आपको हमारे साथ हमारे सेगमेंट में मज़ा आया होगा अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करके तमाम उन लोगों के साथ जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो फादर थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ आवर एंटायर टीम, वी थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग योर 50 इन प्रीशूट, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे भी अपनी खिदमत सर अंजाम पेश करते रहेंगे।